तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हाइड एंड सीक माइनक्राफ्ट में अपनी दीदी के साथ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। तो दी, हम लोग रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ओके, बताओ क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल तो ये कि हम लोग इस विलेज के अंदर में ही छुपेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ओके। और दूसरा ये कि जो भी डैनर होगा वो इसके अंदर में जाके थोड़ी देर वेट करेगा ताकि हाइडर जाके छुप सके। ओके, इसमें काउंट करना है हमें, ठीक है। यस, ये देखने में भी सही है और ब्लैक है तो पता भी नहीं चलेगा और ये पूरा ओपेक है तो कोई देख भी नहीं पाएगा। नाइस। ओके, तो रूल्स एकदम सिंपल है। तो आई थिंक हम लोग को गेम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दी, क्या बोलती हो, पहले तुम छुपोगी या मैं छुपूं? पहले मैं छुपूं। ओके, तो फिर दीदी अभी यहाँ पे छुपने जा रही है, तो फिर हम लोग अंदर में चलते हैं। और उससे पहले हम उन 5 लोगों को शाउट आउट देते हैं जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट किया था। तो वो है बलदेव कुमार, अखिलेश यादव, गैंगस्टर, तानिश गेमर और टर्बो गेमिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। अगर तुम लोगों को भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नीचे में अच्छा सा वीडियो के बारे में कमेंट कर दो तो तुम लोगों को भी शाउट आउट मिलेगा। आयुष, चैटिंग मत करना हा? और यहाँ पे 1 से लेके 10 तक आउट नहीं करना, उतने में मैं जाके छुप जाती हूँ फटाफट, ठीक है। यस, के कोई चीटिंग नहीं, ये मैंने डोर कर दिया है बंद। ओके गाइज, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो मैंने अभी तक दीदी को बताया नहीं, कि मैंने इस पूरे विलेज में सिक्योरिटी कैमरा लगा दिए इस तरीके से कि मैं दीदी को कहीं से भी देख सकता हूँ। हो, ये बहुत मजेदार होने वाला है। ये देखो, यहाँ पर ये मॉनिटर और ये सारे हार्ड डिस्क जिससे मैं दीदी पर नजर रख सकता हूँ। चलो देखते हैं दीदी अभी कहाँ पर है। यहाँ पर हमने लगा दिया मॉनिटर, इसको कर दिया ऑन और इसमें हम लोग अपना पहला डिस्क लगा के देखते हैं। मैं कहाँ पे छुपू और ये आयुष कहीं देखता नहीं रहा ना, पता चला चिटिंग कर रहा है। वैसे तो काफी बंद है ये, तो मैं जाती हूँ फटाफट से छुपने के लिए। ओके गाइस, लगता है दीदी को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। तो दूसरा डिस्क लगा के देखते हैं जो मैंने विलेज के एकदम ऊपर में सेट किया था। तो लेट्स गो। वो, यहाँ से हमें पूरा विलेज का व्यू मिल रहा है। देखते हैं अभी दीदी कहाँ पर है। मैं किधर में जाऊँ, मैं सोच रही हूँ। वो देखो दीदी आ गए। कहाँ पे जाओ यार, थोड़ा सा ना टफ जगह में जाके छुपती हो। आई यार, मुझे हेबल दिख रहा है तो मैं सोचू कोई हेबल वाले जगह में जाके छुपू। ओ दीदी तो कोई हेबल वाले जगह में जाने का सोच रही है। इस घर में जाके मैं छुप सकती हूँ। ओ तो दीदी यहाँ जाने का सोच रही है। ओके, ये तो बस स्टेबल के अंदर गई है जहाँ पे हॉर्स पिगीज हेबल खाते हैं। ओके, दीदी तो अंदर घुस गई है। तो चलो उस घर के अंदर के कैमरे को एक्टिवेट करके देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर अपना सेकंड वाला कैमरा व्यू करते हैं। ये देखो दीदी यहाँ अभी घर के बाहर है, एक काउज और पिग्स के साथ खेल रही है, यहाँ पर हेबल इकट्ठा कर रही है दीदी। मैं ये हेबल को कलेक्ट कर लेती हूँ और मैं सोच रही हूँ इस हेबल से मैं छुप जाऊँ। ये हेबल के अंदर जाने का सोच रही है। और ये हम लोग अंदर वाला कैमरा भी अब लगा के देखते हैं। और ये देखो अंदर में तो क्या ही हो रहा है, घटना। अरे ओए, ओए दीदी तो एनिमल क्रुएल्टी कर रही है अंदर में। अच्छा, इसका प्लान मैं समझ गया हूँ, ये हेबल्स के अंदर में छुप जाएगी अभी। तो मैं ये हेबल को लगा लेती हूँ और इसके अंदर में छुप जाती हूँ जिससे आयुष को पता ही नहीं चलेगा, अब मजा आएगा। ओके, तो हमें तो अच्छे से पता है दीदी कहाँ है। दीदी क्या तुम रेडी हो, मैं आ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, आराम से आ जाओ, मैं तो चुप रखी हूँ। खे, दीदी ने ज्यादा टाइम नहीं लिया है तो दीदी कहाँ गई होगी, कौन सा घर हो सकता है। गाइस तुम लोग को पता है क्या, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ तो तुम्हारा तो आयुष ढूंढना मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत मस्त जगह में छुपी हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम बहुत मस्त जगह में छुपी हुई हो। हाँ ढूंढ के दिखाओ तब मैं मान जाऊंगी। अच्छा, ये देखो गाइस, ये रहा वो कैमरा, ये यहाँ मैंने सेट किया था जिससे हम लोग दीदी पे नजर रख रहे थे। तो चलो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। और ये रहा अपना दूसरा कैमरा जिससे हम लोग अंदर का व्यू देख रहे थे। लेकिन अभी रुको, ओ दी तुम कहाँ हो, मुझे तो ये थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है कि यहाँ पर हेबल रखा हुआ है इतना सारा। कौन सा हेबल की बात कर रही हो, मुझे तो नहीं पता, मैं तो कहीं और छुप के रखी हुई हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम किसी घर के अंदर नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं घर के अंदर नहीं हूँ। मैं समझ रहा हूँ तुम कहीं घर के अंदर में नहीं हो। अरे तुम्हें ऐसा लगा लेकिन ऐसा है नहीं यार, तुम पिकॉक प्रो के साथ खेल रही हो। एक बार में मैंने ढूंढ लिया, आ जाओ बाहर। धप्पा, यस।
नाइस, मुझे लगा ही नहीं था तुम मुझे ढूंढ पाओगे। नाइस। आखिर भाई हाइड एंड सीक चैंपियन है यार, और तुम मेरी बहन हो, मुझे पता है तुम कहाँ जा सकती हो। हाँ वो तो मुझे लगा भी था कि शायद तुम ढूंढ ही लो मुझे। ये सब दुगलापन है। ठीक है, मैं इस बार थोड़ी सी इजी जगह छुपी थी, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक और चांस मिलना चाहिए जहाँ पे तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाओ। ओह, तुम्हें एक और चांस चाहिए और तुम्हें लगता है कि इस बार तुम जीतोगी? यस। ओके तो ठीक है, देखते हैं। या तो चलो ब्लैक रूम में चलो, मैं तुम्हारे साथ में चलती हूँ, कहीं पे तुम चीटिंग तो ना कर लो। ओह, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, भरोसा तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो थोड़ा सा देखना तो पड़ता है ना। सिर बंद कर देते हैं। यस ठीक है, तो तुम रुको थोड़ी देर और मैं छुपती हूँ। ओके तुम आराम से छुपो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं पता चलने वाला कि तुम कहाँ जा रही हो यार। हाँ वो तो है ही, और मैं इस बार बहुत स्पेशल जगह में छुपने वाली हूँ। ओके तो गाइस दीदी गई है छुपने के लिए, तो हम लोग को पता तो होना चाहिए दीदी कहाँ जा रही है, तो चलो देखते हैं। ओ दीदी तो यहाँ पर आ गई है वापस से, ये घर डिसाइड कर रही है लगता है। मैं कहाँ छुपूं, मैं किस घर में छुपूं, मैं तो सोच रही हूँ कि कोई कॉर्नर वाले घर में जाकर छुप जाते हैं, और मेरे पास इस बार बहुत स्पेशल आइडिया है छुपने के लिए। अरे ये तो राइट में गई इस बार। ओके तो उस राइट डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ पे फ्लॉपी डालना पड़ेगा, तो हम लोग ये वाला लगाएंगे और हम लोग अभी व्यू करते हैं। ओके मैं चलती हूँ उस घर के अंदर में, ये घर मुझे लग रहा है एकदम परफेक्ट है। ओ दीदी तो यहाँ पर आ गई है। मैं चलती हूँ इस घर के अंदर में, ये घर एकदम परफेक्ट है, और इस घर में जाऊंगी और है स्पेशल आइडिया। ओ दीदी तो घर के अंदर चली गई बे। ओ एक घर के अंदर भी एक कैमरा सेटअप है, चिंता वाली बात नहीं है। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि ये प्लान को तोड़ दूं और इसके अंदर में जाके छुपूं। बॉय ये तो बहुत ही यार ओपी वाला है, ये तो मुझे पता भी नहीं चलता अगर ऐसे होता तो। इतना डीप में चली गई है दीदी। ओह ये मस्त जगह मैं छुप गई हूँ मैं। ओह माय गॉड। ओ तो दीदी क्या तुम रेडी हो फिर? मैं तो एकदम रेडी हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ और मुझे ढूंढ के दिखाओ। ओके तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ओपी जगह पर छुपी हो, क्यों? हाँ इस बार तो बहुत ओपी जगह में छुपी हूँ, आके ढूंढो। ओके तो जहाँ तक मुझे लगता है तुम पहले इधर कहीं पे छुपी थी, तुम अभी यहाँ कहीं पे गई होगी शायद। मैं देख तो नहीं सकता था बिल्कुल भी तुम कहाँ गई हो, पता नहीं यार मेरी आंखें इतनी छोटी छोटी है ना, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ आराम से तुम ढूंढो मुझे, वैसे भी मुझे ढूंढ पाओगे नहीं। मुझे लगता है तुम कहीं तो अजीब जगह छुपी होगी है ना। यस yes, मुझे ऐसा कैसे लग रहा है कि ये आयुष इस घर के अंदर में चल रहा है। ओ दी तुम कहाँ हो, कहीं तुम किसी घर के अंदर तो नहीं, इतना तो बता सकती हो, हिंट तो दो। हाँ हाँ मैं घर के अंदर में ही हूँ। उस घर में डबल बेड लगा हुआ है क्या? हाँ इसे कैसे पता चला? कहीं तुम बेड के नीचे ही तो नहीं छुप गई हो? मुझे पता ही था तुम बेड के यहीं कहीं छुपी होगी। तुम्हें कैसे पता चला, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं एकदम श्योर था कि तुम मुझे इस घर में ढूंढ ही नहीं पाओगे, तुम्हें कैसे पता चला? अरे यार ये तो बाएं हाथ का खेल है। मुझे तो तुमसे कोई शक हो रहा है, कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे हो तुम मुझे? मुझे तो दूर है ना तुमसे। तंत्र मंत्र तुम्हारा भाई है, तुम्हें पता नहीं है क्या क्या तंत्र मंत्र? नहीं तुम पक्का तंत्र मंत्र कर रहे हो। तंत्र मंत्र? ओ अच्छा, तंत्र मंत्र के डर से अंदर होगी तुम? मुझे यही लग रहा है, अभी से दूर रहो। अरे ऐसा कुछ नहीं है दी, मैं जानता हूँ तुम कहाँ कहाँ छुप सकती हो, यकीन नहीं होता तो एक बार और ट्राई कर लो। तुम तो एकदम मेरे पक्के भाई निकले यार, पूरा मेरा माइंड रीड कर लेते हो। इस बार तो मैं बहुत ओपी वाला जगह छुपने वाली हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार तो मेरा माइंड रीड भी कर पाओगे। ओके तो ये थर्ड ट्राई भी तुम करके देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो ब्लैक रूम में चलते हैं। चलो फिर आज ब्लैक रूम में वेट करो, इतने में मैं छुप जाती हूँ। ओके तो देखते हैं, अभी मैं आ गया हूँ ब्लैक रूम में। दी तुम जाके आराम से छुप सकती हो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बस चीटिंग मत करना। भाई दीदी तो यार लगता है छुपने के लिए दोबारा चली गई, कहाँ गई है वो? ओ रुको दीदी कहाँ गई? ओ मिल गई मुझे, यहाँ पर है दीदी। इस बार मुझे बहुत मजेदार आइडिया मिला है, यहाँ पे विलेजर है और मैं बन सकती हूँ एक विलेजर। I'm so excited. तो चलो मैं जाती हूँ और फटाफट से विलेजर बन जाती हूँ और इन्हीं के अंदर मैं छुप जाऊंगी। वो इस बार तो दीदी का प्लान बहुत सॉलिड है। हाँ ओ गाइस ये देखो दीदी, ये रही सेंटर में।
ये तो विलेजर में कन्वर्ट हो गई। हाय विलेजर, अब तो मैं तुम लोग के जैसे बन गई हूँ। चलो मेरे से भी तुम लोग बातें करो। हेलो, कैसे हो? आयुष तो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। ओह माय गॉड, ये तो प्लान बहुत गजब का है। आयुष, मैं तो छुप गई हूँ, आ जाओ जल्दी से मुझे ढूंढो। ओह, दीदी का सिग्नल आ गया है, तो मैं आ जाऊँ? हाँ, जल्दी से आ जाओ और मुझे ढूंढो। अच्छा, तुमने बोला था कि तुमने इस बार हार्ड मोड किया है, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा, क्यों है ना? इस बार तो तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि मैं एकदम बहुत मस्त जगह छुपी हूँ। तुम बहुत मस्त जगह छुपी हो? यस। अच्छा, तो तुम कौन से जगह पर छुपी हो? तुम क्या घर के अंदर में हो? नहीं, मैं घर के अंदर तो नहीं हूँ। तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ। अच्छा, पता नहीं, अचानक से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार इस विलेजर्स में पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है। ये देखो और ये देखो, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें नहीं लग रहा? मुझे आयुष को इग्नोर करना चाहिए, वरना वो पहचान जाएगा कहीं पे। मुझे हर जगह विलेजर्स ही विलेजर्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है आयुष। अच्छा, यहाँ पे विलेजर्स नहीं बढ़े हैं? मुझे तो बहुत ज्यादा विलेजर्स लग रहे हैं। और यहाँ पर पता नहीं एक विलेजर ऐसा है जो अंदर घुस रहा है हेबल के, बाहर जा रहा है, वो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है मेरे को। अच्छा, ऐसा भी है क्या? पता नहीं मुझे तो। अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि विलेजर्स ऐसे हेबल पे चढ़ जाते हैं, और वो विलेजर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मुझे उससे ट्रेडिंग करनी है। विलेजर मेरी तरफ देखो। हेलो विलेजर, ट्रेडिंग करोगे? मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हिलूंगी जिससे आयुष को शक ना हो मेरे पे। ओह, ये विलेजर में तो एक खास बात और है। ये ये भागता है। पकड़ लिया मैंने तुम्हें, धप्पा दे दिया है दी। ओ भाई साहब, आयुष यार तुम तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैं तो विलेजर की तरह एकदम डिसगाइज हो गई थी। लेकिन तुम एक चीज पर ध्यान नहीं दी, इनके हाथ देखो, ये लोग हाथ जोड़ के रखते हैं, तुम्हें भी हाथ जोड़ के रखना चाहिए, समझी? अरे हाँ यार, ये तो सही बात है, पर फिर भी तुमने मुझे विलेजर बनते हुए कैसे पहचान लिया? आओ, ये तो बहुत ही बाएं हाथ का खेल है यार मेरे लिए। तो ठीक है, मैं चेंज करके आ जाती हूँ, और इस बार तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। ओके ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम जैसे मुझे ढूंढ लियो तो वो काफी इजी होगा जब मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा तो ठीक है, देखते हैं। तो लेट्स गो, अभी तुम चेंज कर लो फटाक से। ओके। तो गाइस, जब तक वो चेंज कर रही है, हम लोग अंदर का मॉनिटर हटा देते हैं। ओके आयुष, तो मैं इस बार वेट करती हूँ और तुम जाके छुपो। ओके, तो जाओ दी अंदर में, ब्लैक रूम में, लेट्स गो। ओके ओके दी, नो चीटिंग। हाँ, मैं चीटिंग नहीं करने वाली, तुम जाओ और जाके छुप जाओ और मैं तुम्हें ढूंढूंगी। तो मैं अभी चला छुपने के लिए। तो गाइस, हाइड एंड सीक तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दीदी को थोड़ा सा ट्रोल भी कर दिया जाए तो मजा आएगा, उसके बाद हम लोग उससे शायद सीक्रेट भी बता दे। तो ट्रोल करने के लिए ये काफी बड़े बड़े घर है, तो ये सब काफी अच्छे रहेंगे। ओ, ये वाला घर काफी बड़ा है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे लावा लगा देते हैं, क्योंकि दीदी जैसे ही मुझे यहाँ पीछे देखेगी ना, वो भागती हुई आएगी और अंदर गिरेगी। मजा आएगा। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर और लावा डाल देते हैं ताकि वो सीधा जल जाए, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। और यहाँ पर हम लोग आराम से प्यार से लावा भर देते हैं। यस गाइस, अपना सेटअप हो गया रेडी। लेकिन जैसे वो यहाँ तक आएगी उसे मेरा फेस दिखेगा, लावा नहीं दिखेगा, और यहाँ से ही वो सीधा गिरेगी अंदर में, बहुत मजा आएगा। चलो ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं। ओके आयुष, तो मैं तो काफी वेट कर लियो, क्या तुम छुप गए हो? ओ यस, मैं तो बहुत अच्छे से छुप गया हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, फटाफट से ढूंढो मेरे को। मुझे जरा सा ये बताओ कि क्या तुम घर के अंदर छुपे हुए हो? चलो मैं बता देता हूँ। यस, मैं एक घर के अंदर छुपा हुआ हूँ। ओके, तो मैं सारे घर चेक कर लेती हूँ, क्या पता वो घर के अंदर में मेरी तरह तो छुप गया हो। तो अरे चिंता मत करो, तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी, हालांकि मैं सामने ही हूँ, फिर भी देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, देख लेते हैं कि मैं ढूंढ पाओगी कि नहीं। ओ, ये घर खुला हुआ है। अच्छा, ये घर तो वो है जहाँ पे मैं छुपी थी, क्या पता आयुष इस घर में वापस से छुप गया हो। तुम्हें इतना इजी लग रहा है, मुझे तुम यहाँ से दिख रही हो। हाँ, दिख रहे हो? Yes. मैं दिख रही हूँ बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब यही कहीं है गाइस, इसको ढूंढते हैं, कहाँ पे है ये? लगता तो नहीं है तुम ढूंढ पाओगे मुझे। तो मैं सोची कि इन घरों में जाके चेक करते हैं, क्या पता आयुष इन घरों के अंदर में हो। ओ भाई, दीदी तो बहुत क्लोज आ गई है। ओ नहीं, अरे तुमने तो मुझे देख लिया। ओ माय गॉड, दीदी तो ट्रैप में फंस गई। सही है यार, मजा आ गया।
मजा आ गया यार। और ऊपर से तुमने वो घर पूरा जला दिया ब्रो, ये क्या किया तुमने? अच्छा अच्छा चलो, इसी बात पे मैं थोड़ा कन्फेस भी कर देता हूँ कि मैं ये हाइड एंड सीक में सिक्योरिटी कैमरास का यूज कर रहा था। वो देखो ऊपर में, तुमने एक बार भी ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर भी एक कैमरा लगा हुआ है। और वहाँ पे भी, ओह माय गॉड, तो तुम मुझे कैमरा से ढूंढ रहे थे, तभी मैं सोच रही थी कि ये मेरा ब्रो मुझे से देख कैसे पा रहा है। अरे बहुत इजी हो गया था। और देखो एक कैमरा तो यहाँ पर भी है, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार में हेवल में देख लिया था। वाओ यार, ये कैमरा तो वैसे बहुत सही है। आयुष तुम चीटिंग कर रहे थे यार, मैंने सोचा नहीं था, मुझे ऐसा लगा भी कि मेरा बहुत ना इंटेलिजेंट कैसे हो गया। अरे ये फन है, फन ये तो मेरा लक था कि आज हम लोगों ने दीदी को इतना अच्छे से ट्रोल कर लिया। तो क्या तुम लोगों को लगता है मैं लकी हूँ? ये स्क्रीन पे तुम लोगों को वीडियो दिख रही है जो मैंने लकी ब्लॉक रेस किया था कूल किडो के साथ, वो तुम लोग जाके देख सकते हो। तो आप लोग जाके देखना उस वीडियो को। तो हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में। बाय बाय बाय।